देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लाखों से अधिक श्रद्धालु करे बाबा पर जलाभिषेक। सुबह 4 बजे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का पट खुलने के बाद से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है और सभी कतारबद्ध होकर जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुगम जलार्पण के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मंदिर परिसर और रूट लाइन में भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। देवघर उपायुक्त ने कहा कि महाशिवरात्रि बाकी दिनों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण दिन होता है और अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा पर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं, इसलिए जिला प्रशासन सभी श्रद्धालुओं को सुगम जलार्पण के लिए लगी हुई है। साथ ही आसाम में भव्य शिव बारात निकाली जाएगी जिसको लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिव बारात आयोजन समिति और जिला प्रशासन के द्वारा रूट लाइन को भी तैयार किया गया है और कैमरे के माध्यम से शिव बारात पर नजर रखी जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी भारी भीड़ शिव बारात में शामिल होंगे और शिव बारात में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह, मनोज तिवारी और आम्रपाली दुबे भी शामिल होकर भ्रमण करेंगे। बारात शाम 6 बजे KKN स्टेडियम से निकलेगी और शहर का भ्रमण करते हुए मंदिर के पूर्व द्वार तक जाएगी। जलार्पण करवाना जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और इसी प्रायोरिटी को लोग अपना सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट कर सकें उसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। ऑलमोस्ट कई दिन पहले से हमारे यहाँ पे पुलिस बल की प्रतिनिधि है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि है, सीसीटीवी कैमरा ड्रोन के माध्यम से नज़र रखी जा रही है कि सभी जो श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से मंदिर प्रांगण में आए जलार्पण करके और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ से। सर इस वक्त है कितने बजे प्रस्थान करेगी स्टेडियम? शिवरात्रि विशेष दिन होने के कारण हम लोगों की ऐसी अपेक्षा रहती है कि इसमें जैसा हमारे यहाँ पे श्रावण में किसी सोमवार वाले दिन भीड़ रहती है उससे ज़्यादा भीड़ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। आपने शिवरात की बात कही तो उसके बारे में इस तरह से सभी तैयारियाँ की गई हैं, किसी प्रकार से किसी श्रद्धालु को या शिवरात में जो शामिल हो रहे हैं व्यक्ति उनकी दिक्कत ना हो इसका भी प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए शिवा पार्वती का जैसे हम लोग एनिवर्सरी मनाते हैं वो वर्षगांठ है महापर्व है ये शिवरात्रि। इसमें जो है त्रयोदशी और चतुर्दशी का समागम है। 9:25 में चतुर्दशी पड़ रहा है, शिव जी का यह तिथि फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है और संयोग कहे कि आज त्रयोदशी चतुर्दशी में इनका जो है वर्षगांठ मनाया जाएगा। कितने भीड़ है आज मंदिर? आज लगभग 2 से 2.25 लाख श्रद्धालु आए हुए हैं। कितर बितर है श्रद्धालु, श्रद्धालु को बताने वाले नहीं है कि किधर जाना है नहीं जाना है। जिला प्रशासन को VIP गेट पर लगा दिया गया है और अन्य गेट पर जो है श्रद्धालु भटक रहे हैं। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए BKD न्यूज झारखंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।